धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी सात संगत जी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज है 15 दिसंबर और सहा सतनाम जी धाम सिरसा में जो है आई कैंप फ्री लगाया गया था, जो 12 से 15 दिसंबर के जिसकी डेट रखी गई थी। सात संगत जी, आज वह कैंप फाइनली पूरा हो चुका है और बहुत ही ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए लाए हैं कि हजूर पिताजी 13 दिसंबर को कानून की प्रक्रिया के अनुसार जो है फरलो पूरी कर चुके थे और वापस सुनारिया धाम चले गए थे। तो इसी से संबंधित आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी सूचना लेकर आए हैं सात संगत जी। हजूर पिताजी के जो भी प्रोग्राम जो है सिरसा मतलब बरनावा आश्रम से जो लाइव प्रोग्राम हुए थे सभी ब्लॉगों में जो है वे सभी प्रोग्राम भी है आपको डेरा सच्चा सौदा का जो ऑफिशियल चैनल है फेसबुक के ऊपर, तो उस पर सभी प्रोग्राम देखने को मिल जाएंगे। टॉपिक वाइज हजूर पिताजी के हर प्रोग्राम आपको डेरा सच्चा सौदा का जो ऑफिशियल चैनल फेसबुक पर है उस पर सभी वीडियो हजूर पिताजी की जो है आपको देखने को मिलेगी। और सासंगा जी, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना एक और है जिसको आपको बड़े ही ध्यान से सुनना है। सूचना बताने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि इस चैनल पर डेरा सच्चा सौदा की हर एक खबर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। सात संगत जी, हजूर पिताजी जब फरलो पर आए हुए थे तो एक लड्डू जो है हजूर पिताजी ने जो बनवाया था उस पर हजूर पिताजी की दृष्टि डली हुई थी और हजूर पिताजी का आशीर्वाद था। तो कुछ लोगों के द्वारा ये अफवाह फैलाई जा रही है कि हजूर पिताजी ने जो तुम्हारे गुरुजी ने है लड्डू बहुत महंगा बेचा है, 1700 रुपये की कीमत रखी गई है। सात संगत जी, मैं आपकी जो है कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपसे कहना चाहता हूँ कि उस लड्डू का जो कीमत है 1700 रुपये होने के बावजूद भी बहुत कम कीमत क्यों है। सात संगत जी, कुछ लोग ऐसे हैं आपने देखा होगा कि जिनके घर में बच्चे नहीं होते थे, जिनको किलकारियाँ नहीं, जिनके घर में किलकारियाँ बच्चे की सुनने के लिए कान तरस गए थे, और कुछ लोगों की जो भयंकर बीमारी थी जिस पर उन्होंने हजारों लाखों रुपये खर्च कर दिए थे लेकिन उसके बावजूद भी वह बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। तो ऐसी बहुत सी चीज़ जो हजूर पिताजी की दृष्टि डली हुई और हजूर पिताजी का आशीर्वाद से जो है डली हुई ऐसी दृष्टि से जो प्रसाद के रूप में श्रद्धा से हजूर पिताजी का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो उनसे उनके भयानक से भयानक रोग कट गए जिन पर उन्होंने लाखों हजारों रुपए खर्च करने किए कर चुके थे और लाखों हजारों खर्च रुपए करने की सोच रखी थी। तो हजूर पिताजी ने इस तरह से उनके लाखों हजारों रुपए जो है बचवा दिए एक लड्डू की खाने से, और इस तरह से कुछ जो फल फ्रूट वगैरह रहते हैं उनके खाने से उनके कर्म कट गए। इस वजह से हमारी नज़रों में तो हमारे पिताजी का जो 1700 रुपए का लड्डू होने के बावजूद भी बहुत कम कीमत है। और सासंगा जी, कुछ लोग संतरे भी लेकर आ रहे हैं, तो संतरों से भी बहुत इंसान के जो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं सर्च कर डेरा सच्चा सौदा से जो भी श्रद्धा से हजूर पिताजी के वचनों पर पक्के रहते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करता है तो उसके भयानक से भयानक रोग सतगुरु बहुत ही कम कीमत में काट देते हैं। तो सासंगा जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर करना ना भूलें, क्योंकि डेरा सच्चा सौदा की में कोई भी दान चढ़ावा और कोई भी इस तरह का काम नहीं किया जाता है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।